नमः शिवाय। अधिक मास ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष शुक्रवार एकादशी तिथि पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा आज हस्तिनी नक्षत्र में चलते रहेंगे। आज के जन्मे जातक सुंदर, दानी, उदार, दूसरों का उपकार करने वाले, धनी और ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं। ये मेहनती, कुशल कार्यकर्ता, व्यापारी, वेदों के ज्ञाता और परिश्रम से उन्नति करने वाले होते हैं। ये मौलिक विचारधारा वाले, स्वाभिमानी, किसी पर भी अत्यधिक विश्वास कर लेने वाले और हर कार्य में सफल होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, चंद्रमा और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में ही चलते रहेंगे। आज के जन्मे जातकों के सारे अरिष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और जीवन निष्कंटक होता है। आज की एकादशी पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जानी जाती है, जिसमें भगवान विष्णु के पूजन, जप, हवन और दान का महात्म है। इस दिन विष्णु सहस्र नाम, पुरुष सूक्त इत्यादि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। मेष राशि के जातकों के विचारों की परिवर्तनशीलता में सुधार मिलेगा और वाणी की तेजस्विता में वृद्धि होगी, मगर चंद्रमा के आज भी छठवें घर में होने की वजह से यदा कदा स्वास्थ्य संबंधी मामलों और मानसिक स्तर में उतार चढ़ाव संभावित है। मामा पक्ष से सहयोग मिलेगा, मगर माँ के प्रति चिंता आज भी बनी रहेगी। उच्च के मंगल से कार्य योजनाओं की रचनात्मक सक्रियता जारी रहेगी और उसमें एक मिसाल कायम करेंगे। कुछ कामों में रुकावट व संघर्ष का संकेत मिलता है, मगर तार्किक क्षमता और दृढ़ संकल्प से सफलता मिलेगी। बच्चों के प्रति दायित्व बढ़ेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग जारी रहेगा। आज अपने सामान के प्रति सचेत रहना चाहिए। वृष राशि वाले जातकों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में कमी आएगी। आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर द्वारा सारे काम होते जाएंगे। अच्छे कामों में खर्च और घर गृहस्थी संबंधी वस्तुओं में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र की व्यग्रता और जल्दबाजी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। बच्चों व घर परिवार से संबंधित जिम्मेदारी की चिंता संभावित है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। शाम के बाद का समय थोड़ा मानसिक चिंता को बढ़ाने वाला हो सकता है, मगर अधिकतर कामों में सफलता मिलती जाएगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए अधिकतर कार्य सुचारू ढंग से चलते रहेंगे और भावनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी, मगर कुछ कामों में विशेष सफलता की उम्मीद बनती है। जीवन के नए लक्ष्य हासिल करने में सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी, मगर बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल अतिरिक्त लाभ दिलाने में सक्षम होगा। गुरु की प्रेरणा से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शाम के बाद का समय प्रतिष्ठा को और बढ़ाने वाला होगा और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का नक्षत्र लाभदायक सिद्ध होगा। कार्य क्षेत्र की रचनात्मक सक्रियता सुकून बढ़ाने वाली होगी और सार्थक प्रयास सफलता दिलाने में सहयोग करेगा, मगर कुछ विषयों पर निर्णय लेने में मन का अंतर्द्वंद सामने आएगा। फिर भी सकारात्मक परिणाम मिलते जाएंगे। साझेदारी से लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और व्यावसायिक निरंतरता बनी रहेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। सिंह राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में सहयोग मिलेगा और संसाधनों के विकास की प्रवृत्ति बनी रहेगी। पांचवें घर में शनि का वक्री होना आपकी कार्य ऊर्जा को बार बार प्रभावित करता है। परिस्थितियों को देखते हुए अपनी कार्य योजनाओं को कल पर न छोड़ें। अपने कार्य क्षेत्र में रचनात्मक पहल जारी रखें, सफल रहेंगे। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। अचानक लाभ के मौके संभावित हैं। पत्नी की प्रेरणा व सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। कन्या राशि के जातकों की सकारात्मक विचारधारा बनी रहेगी। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। मानसिक क्रियाशीलता बनी रहेगी और हर्षित महसूस करेंगे। अभिभावक या सहयोगियों की प्रेरणा लाभदायी रहेगी। साझेदारी के प्रस्ताव सामने आएंगे और उसको लागू करना लाभदायक रहेगा।
किसी बड़े निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन भाग दौड़, यात्रा प्रधान और खर्चीला रहेगा। साथ ही वाहन चलाने में सावधानी भी रखनी चाहिए, मगर शाम का समय सुकून और शांति भरा महसूस होगा। कार्य क्षेत्र में सहयोग बना रहेगा, व्यस्तता बढ़ेगी और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक लाभ मेहनत के अनुसार निर्धारित होगा। कार्य योजनाओं में विवाद व तनाव से बचना चाहिए। सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन लाभ दिलाने के लिए प्रेरित करेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के आय संबंधी मामलों में विकास होगा और संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी। अपनी कार्य क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा। नई योजनाओं की क्रियाशीलता बनी रहेगी और लाभदायक प्रसंग सामने आएंगे। वाणी में मधुरता बनाकर रखें। कर्मचारियों का सहयोग मिलता रहेगा। आर्थिक लाभ से अधिक खर्च की स्थिति संभावित है। आवश्यक संसाधनों में निवेश का योग बनता है। बच्चों व संतान संबंधी मामलों में यात्रा संभावित है। संयम और धैर्य बनाकर काम करते रहें, फल मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है। धनु राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में उत्थान होगा और निरंतरता को बनाए रखने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में व्यस्त रहेंगे। अपने रचनात्मक प्रयास जारी रखें। कार्य क्षेत्र की अनुकूलता बनी हुई है, मगर बाहरी कारकों से बार बार बाधा संभावित है। मेहनत करने की प्रवृत्ति बनाए रखें। भविष्य में सुखद परिणाम अवश्य मिलेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए धन की आवश्यकता महसूस होगी। हालांकि प्रशासनिक और सामाजिक सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी है। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें, सफलता मिलेगी। मकर राशि के जातकों को अधिकारियों का पूरा सहयोग और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती रहेगी। प्रतियोगी भावना विकसित होगी और उच्च का मंगल नेतृत्व करने की क्षमता में सहयोग करेगा। नई कार्य योजनाएं मिलती जाएंगी और आपके क्षेत्र का विस्तार होता जाएगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर धैर्य और संयम बनाकर रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और निजी संबंधों में निकटता आएगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव संभावित है। बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल आर्थिक लाभ बढ़ाएगा। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। हालांकि शासन सत्ता का सहयोग और अधिकारियों की अनुकूलता बनी रहेगी। संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है, मगर भाग्यवश आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। शाम के बाद कुछ काम संपन्न होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी है। सफलता संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज दिन भर का समय कार्य क्षेत्र की सफलता और आर्थिक लाभ के लिए सहयोगी रहेगा। साझेदारी के कामों में सफलता मिल सकती है और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। भूमि वाहन या प्रॉपर्टी संबंधी मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर शाम के बाद का समय व्यावसायिक मामलों में यात्रा कराने वाला हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में चिंता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। प्रयास जारी रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।